Here, we need to find the maximum current in the given circuit. अगर आपको दे रखा है कि ये जो 2C capacitor है, इसके across potential difference 4 V0 है, और C के across V0 है. Initially, अभी switch open ही है. Polarity भी आपको charges की दे रखी है, इधर plus, इधर minus, इधर plus, इधर minus. मैंने मान लिया कि T is equal to 0 पर हम लोगों ने switch on किया. तो after some time T, मान लेते हैं at टाइम टी इस पर चार्ज कितना हो जाएगा. देखिए इनिशियल चार्ज कितना है यहाँ पे 4 वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 2 सी 8 सी वी नॉट. ये टी इज इक्वल टू जीरो पर है 8 सी वी नॉट. इस पर कितना है सी इंटू वी नॉट सी वी नॉट. मान लेते हैं टाइम टी तक इस प्लेट में से चार्ज क्यू निकल कर उस प्लेट पर जा चुका है. करंट इस डायरेक्शन में मान लिया हमने टी टाइम टी पर इधर है करंट. तो सबसे पहले तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आई इज इक्वल टू डी क्यू डी टी क्योंकि करंट इज रेट एट विच चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट. और क्योंकि इसमें से चार्ज क्यू निकल चुका है टाइम टी पर कितना करंट चार्ज हो जाएगा इस पर. इनिशियली 8 सी वी नॉट था, इसमें से क्यू निकल गया तो कितना बचा 8 सी वी नॉट माइनस क्यू. और ये क्यू चार्ज इस पे आ गया इसलिए सी वी नॉट से बढ़ के कितना हो गया प्लस क्यू चार्ज हो गया. तो दोनों कैपेसिटर का चार्ज पता है. अब हम क्या करेंगे इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे करचॉफ्स लूप लॉ. जैसे ही हमने करचॉफ्स लूप लॉ लगाया हमारे पास क्या आएगा, मान लेते यहां से शुरू करते हैं. वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इसलिए पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कितना आएगा चार्ज बाय कैपेसिटेंस. तो यहां से यहां गए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 सी वी नॉट माइनस क्यू अपॉन 2 सी. यहां से यहां जाने में दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. आगे बढ़े कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया. यहां हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं इसलिए पोटेंशियल डिक्रीज होगा. कितना डिक्रीज होगा माइनस ये चार्ज है सी वी नॉट प्लस क्यू अपॉन कैपेसिटेंस सी. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग. करंट के डायरेक्शन में आप जब इंडक्टर से पास हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा माइनस एल डी आई डी टी. और घूम फिर के हम वापस अपनी जगह पहुंच गए इसलिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया जीरो. दिस इंप्लाइज अगर हम इन टर्म्स को रीअरेंज करें तो यहां कितना आ जाएगा 8 सी वी नॉट अपॉन 2 सी मतलब 4 वी नॉट माइनस क्यू बाय 2 सी. यहां कितना आएगा माइनस वी नॉट माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू एल डी आई डी टी. एल टाइम्स डी डी टी ऑफ करंट कितना है डी क्यू डी टी. दिस इंप्लाइज एल टाइम्स डी टू क्यू डी टी टू इज इक्वल टू यहां देखते क्या आएगा. यहां आ गया 3 वी नॉट माइनस 3 क्यू बाय 2 सी. दिस इंप्लाइज डी टू क्यू डी टी टू इज इक्वल टू मैंने यहां पे क्या किया 3 बाय 2 सी कॉमन ले लिया है और एल नीचे लेके चला गया तो क्या 3 अपॉन 2 एल सी तो इधर नीचे आ गया. अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा यहां से 3 बाय 2 सी तो कॉमन ले चुका हूं मैं क्यू. अच्छा एक माइनस ले लेते हैं साथ में तो क्यू आ गया माइनस यहां पर से 3 बाय 2 सी कॉमन लिया तो 3 तो आ गया 2 सी कॉमन लिया तो था तो नहीं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर यहां पे हमें करना पड़ेगा माइनस 2 सी वी नॉट. आप आराम से अगर एक दो स्टेप्स में करेंगे तो पहुंच जाएंगे 3 बाय 2 सी इन दोनों में से जबरदस्ती कॉमन लोगे तो 2 सी यहां नीचे नहीं था इसलिए 2 सी कॉमन लेने के लिए आपको 2 सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपके पास आ गया डी टू क्यू डी टी टू इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 एल सी इंटू क्यू माइनस 2 सी वी नॉट. अगर हम इसको एक एस एच एम से कंपेयर करें जिसमें आपकी कंडीशन क्या थी आपकी इक्वेशन थी डी टू एक्स डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर
एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और एक्स नॉट क्या होगा, ये होगा मीन पोजीशन। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या है आपके चार्ज की मीन वैल्यू, दिस इज योर मीन वैल्यू ऑफ चार्ज। जैसे ये मीन वैल्यू ऑफ एक्स होता है, वैसे ये कितना हो गया, 2CV0 हो गया मीन वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू। नाउ एट t is equal to 0 पे चार्ज कितना है, चार्ज जीरो है और करंट भी जीरो है। इसका मतलब या तो चार्ज मिनिमम होगा या चार्ज मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। और चार्ज की वैल्यू है जीरो क्यों, क्योंकि इनिशियली तो ये कोई चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ नहीं था, क्योंकि वैल्यू जीरो थी। इसलिए ये q = 0 हमारे चार्ज की मिनिमम वैल्यू है, इसकी मीन वैल्यू है 2CV0 और मिनिमम वैल्यू है जीरो। तो आपका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम माइनस मीन वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है, जीरो, क्योंकि हमने देखा जब करंट जीरो है उस वक्त चार्ज भी जीरो है। तो एक्सट्रीम वैल्यू आप हमको पता है एक जीरो है, और माइनस मीन वैल्यू हमें पता है 2CV0। इसका मैग्नीट्यूड मींस दिस इज इक्वल टू 2CV0। तो ये आ गया आपका चार्ज का एम्पलीट्यूड। और अब इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो चार्ज है दैट क्यू इज इक्वल टू क्यू का एम्पलीट्यूड, सॉरी पहले मीन वैल्यू जोड़ेंगे उसमें, 2CV0 प्लस इसका एम्पलीट्यूड 2CV0 टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक बार समझ लेते हैं ये कहां से आया। सबसे पहले तो यहां पर जो ओमेगा है वो क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, d2q dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स क्यू माइनस क्यू मीन। तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा कितना है, सबसे पहले तो इसका रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/2 LC, ये तो ओमेगा है। फाई मैं अभी निकाल नहीं रहा हूं, क्योंकि उसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये। लेकिन एक्सप्रेशन ये 2CV0 कहां से आया, आपको तो पता है एसएचएम की इक्वेशन होती है x = a sin ωt + 5, पर वो तब होता है अगर आपके पास इक्वेशन हो d2x dt2 = −ω²x। यहां पे इक्वेशन कैसी है, d2x dt2 = −ω²x − x0। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है x = x0, मीन वैल्यू के बाद एस्टिम करेंगे ना, x0 + a sin ωt + 5। नॉर्मल अगर आपको सीधे सीधे दे रखा हो acceleration = −ω²x, तो उसमें सिर्फ इतना सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मीन वैल्यू कहीं और है, मीन पोजीशन कहीं और है, acceleration = −ω²x − x0, तो इसमें ये x0 क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगी। तो उस केस में आपको मीन पोजीशन में ऐड करके एसएचएम कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे कराया एसएचएम, मीन वैल्यू ऐड करके एसएचएम करवाया, एम्पलीट्यूड भी हमारा 2CV0 ही था। तो अब आपको चाहिए करंट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर चार्ज पोजीशन है तो करंट क्या है, वेलोसिटी, और एसएचएम में वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2CV0 एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा अंडर रूट ऑफ 3/2 LC। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल फाइंड कि करंट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2CV0 ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6C/L (V0²). आप चाहो तो V0 को बाहर लिख सकते हो, तो आ जाएगा कितना आपका, अंडर रूट ऑफ 6C/L (V0). ये आपका आंसर है।